उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार अपराधी हथियार सप्लायर था, बिहार के अलावे कई राज्यों में हथियार सप्लाई का काम करता है। गया से आई सेवन के लिए आरके निराला की रिपोर्ट। बोध गया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मचारी के गांव में छापेमारी कर हथियार के साथ एक कुख्यात अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बाजडी थाना के सलेमपुर गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधी का नाम जितेंद्र कुमार बताया जा रहा है। जो पिस्टल जब्त किया गया वह मुंबई में सप्लाई करना था। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस अपराधियों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस संदर्भ में बोधगया थाने के प्रभारी मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सलेमपुर गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक बाइक सवार युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक के मोटरसाइकिल के डिक्की से एक मुंगेर पिस्टल भी बरामद किया गया है। लड़का दोबारा चट्टी का है और गाँव है सलेमपुर, वहीं का एक लड़का मिला उसको अपने डिक्की में एक हथियार रखे हुए थे, मुंगेरिया पिस्टल है, उसे साथ में पकड़ाया है, पकड़ के थाना पड़ा है। क्या ऐसा पाया है ये तो अभी देख रहे हैं, उसको पूछताछ जारी है, जैसा होगा फिर आगे बताएंगे।